अंधेरों की हर साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। क्या कहने, क्या कहने? एक एक मिसरे पर आपकी मौजूदगी लगे कि हाँ मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, तो आप मुझे हौसला दें। अंधेरों की हर साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, उजाले उजाले हर तरफ रोशनी का नाम हो जाए, उजाले हर तरफ रोशनी का नाम हो जाए, मेरी कोशिश मेरी कोशिश नफरत को दिलों से दूर करना है, मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है, मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत जिंदाबाद। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जा। मिसरे तो मैंने, मुझे तो लगता है कि मैंने वही पढ़े जो मैं पूरी दुनिया को सुनाती हूँ, लेकिन आपने शायद उस तरह से नहीं सुना जिस तरह से पूरी दुनिया में सुना जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। इधर के लोगों ने मुझे हिम्मत दी, लेकिन जो आगे बैठे हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। मुझे मालूम है कि सर्दी बहुत ज्यादा आपको लग रही है, मुझे भी लग रही है, लेकिन इस वक्त हम एक मुजाहिद के सामने हैं। जब ये आपके सामने सारी रात बैठ कर उर्दू की खिदमत कर सकते हैं, तो हम इतने कमजोर कैसे पढ़ सकते हैं। मैं चाहती हूँ जरा सा आप जिंदा दिल होकर इसमें सबूत दें क्या कि आप जिंदा हैं और इसमें क्या कहने आते हैं। आइए चार मिसरे और पेश करती हूँ, मैं हिम्मत करती हूँ, आप हिम्मत से सुने और हिम्मत दें। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, हाँ ये चाहिए, क्योंकि ये मिसरे अगर काश सबके समझ में आ जाए तो ये दुनिया ही जन्नत बन जाए। अपनी डाली से बिछड़े अलग अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, ईश्वर भी वही है खुदा भी वही है, ईश्वर भी वही है खुदा भी वही, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, उसके बंदे अलग हो गए, ईश्वर भी वही है खुदा भी वही, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। एक इल्तिजा और करती हूँ, क्योंकि बाद में अगर ये बात कहूंगी तो आपको भी खराब लगेगा। मैं जितनी देर तक माइक पर हूँ, अल्लाह के वास्ते कोई भी पैसे लेकर ना आए मेरे पास, क्योंकि ये मेरी तहजीब है, मुझे आपकी मोहब्बतें और दुआएं चाहिए, बस वो मुझे ताकत देंगी, वो मुझे हौसला देंगी। मुझे भरपूर मोहब्बतें और दुआएं मिली हैं आपके मेहमान खुसूसी आदरणीय सम्मानीय मोहतरम संतोष झा जी से, आप सबसे भी वही मोहब्बत चाहती हूँ। मुशायरे की महफिल को, इस तहजीब को आइए हम सब मिलकर जिंदा रखें, और जिंदा दिल लोगों के बीच में है तो मैं चाहती हूँ इस तहजीब कभी ख्याल रखे। मैं सीधे पढ़ती हूँ, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। सुने शेर पढ़ती हूँ, कि तुझे आरज़ू थी जिसकी, तुझे आरज़ू थी जिसकी, वही प्यार ला रही, क्या कहने क्या सुन रहे हैं, उस सलीके को सलाम। तुझे आरज़ू थी जिसकी, वही प्यार ला रही हूँ, मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रहे हैं, मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रहे
रही हूँ तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। एक शेर इस महफिल को सुनाना है, मैंने मतले का सहारा लिया ये शेर पढ़ने के लिए। अभी हमने शमा रोशन की, आदरणीय संतोष झा जी, जौहर साहब, हमारे तमाम शोरा, आप सब शरीक हुए। एक मकसद मैं बयां करना चाहती हूँ अपने शेर के जरिए, मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। देखें कि मुझे देखना, बल्कि ये शेर इन्हीं की तरफ से पढ़ना चाहिए, मेहमान खुसूसी की तरफ से शबीना दीप का एक शेर और एक पैगाम। कि मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन, मुझे किससे मेरा शहर होगा रोशन, वो मकान जला रहे हैं मैं दिए जला रहे हैं। अरे क्या खूबसूरत पैगाम है, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। वो मकान जला रहे हैं मैं दिए जला रही हूँ तुझे जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा ताली वाली बजाइए, क्या मतलब है। अपने तमाम भाइयों की नजर अपने बुजुर्गों की दुआएं चाहते हैं, सुने उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, सुने शेर, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा, क्या कहना है, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, वो जो घर आता है मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आपको अच्छा लगा तो फिर हाथ बांधे क्यों खड़े हैं, तो जरा ताली बजाइए, लगे कि हाँ आप महफिल में शरीक। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा। क्या कहने, शेर और पढ़ती हूँ और ये मिसरे में संतोष झा की तरफ से पढ़ती जी। अता करें नमक जी, अता करें नमक जी, बैठे जी, बैठे सर। क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई फरमाइश लिखनी थी उनको कागज पे। जी 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 जी, अभी तो ये खुद ही पुराने हैं इतने, तो मैं कैसे सुनाऊं। मैं सुनाऊंगी, मैं पढ़ मैं समझ रही हूँ, मैं सुनाऊंगी। पेश करती हूँ, मुलाहजा करें चार मिसरे, उसके बाद मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके हुक्म तामील करूँ। बस थोड़ा सा आप मुझे वो माहौल दें, आप बैठे हैं, बस आपकी मौजूदगी को सलाम करती हूँ कि सर्द रात में आपकी मौजूदगी ने ये साबित कर दिया कि हाँ आप मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए बैठे। मैं कोशिश कर रही हूँ, सुने चार मिसरे। के अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए, अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए, दूसरों के लिए आँख नम कीजिए। बहुत सारे, जैसा कि इनके बारे में सुना, सोशल वर्कर है, न जाने कितने गरीबों यतीमों के काम आए हैं, इसीलिए मैं इनकी तरफ से ये शेर पढ़ती हूँ। अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए, दूसरों के लिए आँख नम कीजिए, कुछ गरीब के दिन भी सवर जाएंगे, कुछ गरीब के दिन भी सवर जाएंगे। आप अपनी जरूरत को कम कुछ गरीबों के दिन भी सफल जाएंगे, आप अपनी जरूरत को कम कीजिए।
है गजल के लिए मुझे, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा कि आप धीरे धीरे मेरी शायरी तक पहुंच रहे हैं और मुझे हिम्मत दे रहे हैं। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करती हूँ। सुने तुम जहाँ हो, अच्छा आप भी बहुत जिद्दी हैं, कसम खा के बैठते हैं, बस वही सुनना है जिसके लिए सुनने के लिए घर से निकले हैं। मैं बहरहाल मैं हाजिर हूँ, पढ़ती हूँ। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, क्या कहना है। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, क्या कहने। तुम समझते हो, क्या कहने। पहले बताते तो मैंने खामखा वो शेर पढ़ दिए, लेकिन बहरहाल मैम बहुत अच्छे जिंदाबाद। फिर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए जी जी। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्या कहना। जिंदाबाद बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। जहाँ जहाँ तक बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया भाईजान भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, इसके लिए मैं आपकी एहसान मंद हूं। भला ऐसा करें, देखें आप दूसरों को नसीहत दे रहे थे, आप भी उस नसीहत का ख्याल रखें। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, तुम फलक हो मैं जमीन हूँ, तुम समझते क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। अमन कमेटी जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। कहो सबसे नहीं हम सामने रहते हुए, तुम फलक फलक हो मैं जमीन हूँ, तुम समझते क्यों, क्या कहने क्या कहने। तुम जहाँ मैं वही, जिंदाबाद। बहन के लिए बहुत बहुत तालियां बजाइए, उनका हौसला बढ़ाइए, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इनका रोशन मुस्तकबिल मेरी दुआ है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत है माशाल्लाह, दोनों बहनों ने बहुत अच्छा पढ़ा। शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका कि आपने मुझे माहौल दिया। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, अब बैठ जाइए भैया। यही सब चीजें मुझे गड़बड़ लगती हैं, मुशायरे के स्टेज पर इतनी ज्यादा चहलकदमी जो है वो कभी कभी खदशा पैदा करती है कि क्या हो रहा है। मुशायरे का स्टेज नहीं लगता है, क्योंकि मैंने तो उन तहजीबों को जिया है और जीने की कोशिश करते हैं, पेश करते हैं। साथ रहो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है, मजा मजा कुछ कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं नहीं। वाह बेटा वाह वाह। तुम कहीं, हाथ में दे दो, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। दुआ दे दीजिए, वाह वाह। फिर से पढ़ू, बहुत शुक्रिया भाईजान बहुत शुक्रिया। आप अमन कमेटी का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और एक बार गुजारिश अमन कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, बजाने वाकई में एक अमन का पैगाम देने की कोशिश की है। सुने अता करें। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ,
तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहां जहां हो मैं वहीं हूँ। शेर समाप्त करें, मुलाजा करें, सुने क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, दिल टटोलो मैं वहीं तुम समझ। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद मैम, वाह 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 वाह, फिर से जहमत कीजिएगा मैम, फिर से जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान मंद हूं कि आपने मुशायरे को मुशायरा बनाया, ऐसे ही मुशायरे की तहजीब को बरकरार रखें, और मैं आपके एहसान मंद हूं, फिर से आपके हूं खिताब करिएगा मैम नवाज। क्यों 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 भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, दिल टटोलो मैं वहीं हूँ तुम समझते दिल टटोलो मैं वहीं हूँ तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ जहाँ हो मैं वहीं हूँ। ये भी शेर बतौर खास जायज के लोगों की भी, हमें मेरे सभी भाई हैं उनका शुक्रिया, बहुत अच्छा सबने पढ़ा, बड़े अच्छे शेर सुनने को मिले। एक शेर मैं सुनाती हूँ आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। ये जो मुझे पर नूर है, ये नूर है ईमान का, ये जो मुझे पर नूर है, ये नूर है ईमान का, मैं कहां इतनी हसी हूँ तुम समझते, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेराज हो रही है मैम, जिंदाबाद जिंदाबाद मैम, मेराज। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां मेरे इल्तिजा है बजाए, भगवती फूल को सलाम करती हूँ, एक एक सलाम करती हूँ। बहुत शुक्रिया सर मैम को बुलाने के लिए। मेरा भाई दिल खैराबादी, जिनकी दुआएं मोहब्बतें मैं पेश करती हूँ। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, मैं कहां इतनी हसी हूँ तुम क्यों नहीं, मैं कहां इतनी हसी हूँ तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहां हो मैं वहीं हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं एहसान मंद हूँ कि आपने मेरी हिम्मत अफजाई की, इसका शुक्रिया आप सबको। आइए वो गजल सुनाती हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं सुनाऊंगी, जो आप मुझे हुक्म देंगे मैं आपके हुक्म की तामील करती हूँ। अब सुनाती हूँ वो गजल, मास्टर इकराम साहब का हुक्म है, उसी नहीं नहीं दौलत नहीं है। अच्छा अच्छा जी, खामोश लब है मास्टर इकराम साहब जी, एक बार मास्टर इकराम साहब का भी हुक्म है और हमारे बहुत सारे लोगों का हुक्म है, मैं हुक्म तामील करती हूँ। खामोश लब है झुकी है पलकें,
दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत मेहरबानी। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तक है लुगों में, अभी मोहब्बत नई जिंदाबाद। अभी तकल्लुल है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई जिंदाबाद। शुलब है अभी ना, बहुत शुक्रिया। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं है। जिंदाबाद, शुक्रिया। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर सुनाती हूँ। इस गजल में एक ताजा शेर हुआ है। पिछले साल शायद दिल भाई आप भी थे उस मुशायरे में। मेरे लिए एक हुक्म हुआ, नातिया मुशायरा था। नातिया मुशायरे में शबीना अदीब को, हालांकि मैंने जब अपना शायरी का सफर शुरू किया तो नातिया जलसों से ही, मुशायरों से ही शुरू किया, और ये उसी की बरकत है। मुझे आवाज दी गई और मुझसे कहा गया कि मैम आपको ये गजल जरूर सुना ली। मैंने सोचा कि नातिया मुशायरा और नातिया मुशायरे में ये गजल मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मैंने उस पर एक नात कही। एक शेर सुनाती हूँ गजल में, सुने बतौर खास आपने एक माहौल बनाया, मैं आपकी एहसान मंद हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। एक शेर सुनाती हूँ, एक शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, सुने बतौर खास। हुसैन सुल्तान कल भी थे और, सुने शेर। हुसैन सुल्तान कल भी थे और, हुसैन सुल्तान आज भी थे। सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या सूरत है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया आपने उस तरह से शेर को, वाह वाह वाह, सुना मुझे अपने खलूस से, मोहब्बतों से नवाजा। क्या कहने भाई, सर भी नवाज रहे हैं। हुसैन हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी तेरी हुकूमत नहीं नहीं है। शुलब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। अब ये शेर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, महसूस करें जरा इस शेर को अब, कि जो खानदान क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत मेहरबानी। जो खानदानी, जो खानदानी रईस है, मिजाज रखते हैं नर
जो खानदाने रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अरे अरे भाई हाथ में दे दो थोड़ा सर, सर का दुपट्टा सर। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अपने सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। मैं शेर को आपकी खिदमत में दोबारा पेश करती हूँ, और खास तौर से आपके हर दिल अजीज अजीज रहनुमा रहनुमा संतोष संतोष झा जी झा जी एक बार फिर से तालियां बजानी चाहिए जो हम लोगों ने इस महफिल का इनकार। बहुत शुक्रिया, ऐसी खूबसूरत अमन की महफिल सजाई। मैं तो मैम जितनी भी इस कामयाब मुशायरे की मुबारकबादी होगी या इस कामयाब मुशायरे की जितनी सारी मोहब्बतें होंगी वो सब मैं संतोष जी के हवाले करना चाहता हूँ कि आपने ये मुमकिन किया। जोरदार तालियां बजानी। सच बात है, इनके हुक्म पर आज आप सबके बीच आने का मौका मिला है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ संतोष झा जी का, और इस शेर को आपकी खिदमत में दोबारा पेश कर। नहीं नहीं बैठे बैठे, बहुत अपनी जगह पर बैठे। बहुत शुक्रिया, जो खानदानी सब खानदानी आप परेशान मत, जो खानदानी दूसरा मिसरा आप जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा दें, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और एक शेर सुने के जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, सुने शेर जरा सा कुदरत ने, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो पहली सफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। गजल का मख्ता बतौर खास कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की जमीन पे उनकी अभी हुकूमत नहीं नहीं है। क्या कहने क्या कहने मैम, ये दोनों नौजवान ने बड़ी मेहनत की, मास्टर इकराम साहब और राजा भाई अमन कमेटी के और भी भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां कि उनकी बड़ी मेहनत, और मौलाना सिराज साहब मौलाना सिराज साहब क्या कहें, मौलाना सिराज साहब की बड़ी मेहनतें हैं इस मुशायरे को सजाने में संवारने में हम सबको यकजा करने में। एक बार फिर से मैं आपसे इल्तिजा करना चाहती हूं कि उनकी हौसला अफजाई कैसे आपको करनी चाहिए, कम से कम लगे कि हाँ अपनी मोहब्बतों का इजहार आप तालियों के जरिए कम से कम कर सकते हैं और उनकी हिम्मत अफजाई। आइए वो सुर्ख जोड़ों में भी बेबस ये कोई कला जी 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 मैं बिल्कुल मैं भी वही पढ़ने जा रही थी मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारा दर्द भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। एक वाकया मैं सुनाती हूँ। पिछले दिनों मैं थोड़ा सा बीमार हो गई तो बेटे के साथ हॉस्पिटल गई और इत्तफाक से जुहर का वक्त हुआ
तो बेटे ने मुझसे कहा कि मैं नमाज अदा करके फिर मैं आता हूँ, जब तक आप यहीं रुकिए थोड़ी देर की, आप थोड़ी सी देर, क्योंकि इस खित्ते में मैंने सुना है ये बड़ा तारीखी खित्ता है मधुबनी, और खास तौर से भगवतीपुर और अतराफ के जितने भी कस्बे हैं बहुत जलसे होते हैं यहाँ। तो मैंने बेटे से कहा कि हाँ जाइए आप नमाज अदा करके आइए। बेटे ने एक साहब से पूछा कि यहाँ पर मस्जिद कहाँ है, तो जवाब मिला कि कौन सी मस्जिद, हरी पगड़ी वाली, अहले हदीस वाली। काश हम ये बात समझ जाएं तो कम से कम हमें ये समझ में आ जाए कि हम क्या हैं, हमें इससे बाहर निकलना होगा। मैं इतनी इल्तिजा आपसे करना चाहती हूँ, आज भी हम बहुत बिखरे हुए हैं। मैंने बहुत पहले एक गीत लिखा था, मैं आज 25 साल से इस गीत को पढ़ने की कोशिश, दर्द को बयां करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज भी हम उस तरह के खल्फशार से बाहर नहीं निकल पाए हैं। मैं एक इल्तिजा करना चाहती हूँ, हमें एकजुट होना होगा। उसके लिए संतोष झा जी हमारे बीच में बैठे हैं, ये हिंदुस्तान अगर हमारे बीच में मौजूद है तो हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिखरे भी ना और हम अपनी कौम को ना बिखरने दें। हमारी एक मस्जिद होनी चाहिए। हम क्या जब हज करने के लिए जाते हैं तो क्या अपनी अलग अलग मस्जिदों में नमाजें पढ़ते हैं? इस चीज का ख्याल मुझे रखना होगा। मेरी बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक दर्द मैंने बयां करने की कोशिश की है। अगर आपको वाकई लगा है ये दर्द मैं सच्चा सच्चा बयां कर रही हूं, तो यहां बैठा हुआ एक शख्स मुझे हौसला दे, हिम्मत दे और आज से एक अहद लेके जाए कि हम बिखरेंगे नहीं, ना हम अपनी कौम को बिखरने देंगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक गीत पेश करना चाहती हूं। मेरे भाई ने मुझे आवाज दी तो मैंने सोचा अभी ये 2-3 महीने का वाकया है, तो मैंने क्यों ना इस वाकये को बयां करूं और इस गीत को भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक गीत ना चाहती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा। रुतु वो सुहानी आएगी कब, रुतु वो सुहानी आएगी, रुतु वो सुहानी आएगी कब, रुतु वो सुहानी आएगी जब धरती पर प्यार बढ़ेगा, जब धरती पर प्यार बढ़ेगा और नफरत मिट जाएगी। रुत वो सुहानी आएगी कब, रुत वो सुहानी आएगी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बंद पेश करना चाहती हूँ बतौर खास, मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा कि हम शिया सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। आकाश की ऊंचाई पर अपने परचम लहराए, हम छोड़ के फिरके विरके फिर एक अगर हो जाए। आकाश की ऊंचाई पर अपने परचम लहराए, हम छोड़ के फिरके विरके फिर एक अगर हो जाए। ऐसा हुआ फिर ये दुनिया, ऐसा हुआ तो फिर ये दुनिया कदमों में झुक जाए। रुतु सुहानी आएगी, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप उस तरह से गीत में शरीक नहीं हुए। अगर लग रहा है कि मैं सच कह रही हूँ तो एक बार आप सच की तायीद कैसे देना चाहिए आपको, ये मुझे भगवतीपुर बताए। रुतु सुहानी आएगी कब, रुतु वो सुहानी आएगी, रुतु वो सुहानी आएगी कब, रुतु वो सुहानी आएगी। मैंने कोशिश की है कि मैं जौहर साहब की तरह मैं भी अपनी शायरी में अब्र का पैगाम देने की कोशिश करूं, एक मैसेज देने की कोशिश करूं और एक मिशन के तौर पे आपकी खिदमत में अशार पेश करूं, गीत पेश करूं। वो मिशन आपकी खिदमत में हाजिर है, मैं पेश करती हूं। सुने, जब एक खुदा है अपना और एक पैगंबर अपना, फिर क्यों है ये गुमराही जब एक है रहबर अपना। जब एक खुदा है अपना और एक पैगंबर अपना, फिर क्यों है ये
गुमराही जब एक है रहबर अपना ये प्यार भरी दुनिया है हर वक्त झगड़ना छोड़ो मिलजुल के रहो ऐ लोगों आपस में लड़ना छोड़ो ये प्यार भरी दुनिया है शुक्रिया ये प्यार भरी दुनिया है हर वक्त झगड़ना मिलजुल के रहो ऐ लोगों आपस में लड़ना छोड़ो तुमको लड़ाने वालों की तुमको लड़ाने वालों की खुद ही अर्थी उठ जाए क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी रुतव सुहानी आएगी कब रुतव सुहानी आएगी रुतव सुहानी आएगी कब रुतव सुहानी आएगी बता रहे खास बंद पेश करती हूँ डाइस को भी शरीक करती हूँ और आप सबके भी शिरकत चाहती हूँ सुने तुम खुद को जरा पहचानो तुम खुद को जरा पहचानो फौलादी असर है तुम में है अज़्म उमर का तुम में है दर का जिगर है तुम में तुम खुद को जरा पहचानो फौलादी असर है तुम में है अज़्म उमर का तुम में है दर का जिगर है तुम में रखोगे तुम पांव जहां पर रखोगे तुम पांव जहां पर वो धरती हिल जाए रुतव सुहानी जिंदाबाद आबाद कब रुतव सुहानी आएगी रुतव सुहानी आएगी कब रुतव सुहानी आएगी गीत का आखिरी बंद पढ़ती हूँ मुलाहजा करें बतौर खास कि कुछ लोग पहन कर खद्दर भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर कुछ लोग पहन कर खद्दर भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर मंदिर मस्जिद को ढाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे शहरों में आग लगाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे मंदिर मस्जिद को ढाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे शहरों में आग लगाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे इस मिसरे पर आपकी दाद चाहूंगी मंदिर मस्जिद को ढाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे शहरों में आग लगाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे उनके लिए ये भारत माता उनके लिए ये भारत माता काली माँ बन जाए रुतव सुहानी आएगी तब रुतव सुहानी अच्छा है बहुत